हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, खाने पीने का शौक सभी लोगों को होता है। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं तो कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। जहां एक ओर कुछ लोग शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं तो वहीं दूसरी ओर कई लोग नॉन वेज में मटन, चिकन, मछली इत्यादि का सेवन करते हैं। एक केवल हमारे भारत की ही बात करें तो भारत में अधिकतर लोग नॉन वेज में मटन, चिकन और मछली का सेवन करना पसंद करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि रोजाना ही नॉनवेज खाते हैं ताकि अपने शरीर को दूसरों के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बना सकें। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम अपने पूरे जीवन में स्वस्थ और हष्ट पुष्ट रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसका कारण है हमारी अनियमित दिनचर्या और खान पान। दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि यह फायदा पहुंचाने की जगह जहर की तरह असर करता है। इसी प्रकार कभी भी दूध के साथ करेला या फिर नमक का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपको लाभ पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा देता है, जिससे कि हमें शारीरिक परेशानी हो सकती है। आज के वीडियो में दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि नॉनवेज खाने के अगर आप शौकीन हैं तो आपको नॉनवेज खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, तो जिससे कि आपको नॉनवेज का फायदा मिल सके ना कि उसका नुकसान हो। दोस्तों, यदि आप मीट खाना पसंद करते हैं तो कभी भी मीट खाने के बाद शहद नहीं खाना चाहिए क्योंकि शहद काफ़ी गर्म होता है और अगर आप उस बकरे की मीट के साथ खाते हैं तो शरीर को यह काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ कभी भी मीट खाने के बाद या उसके तुरंत पहले दूध नहीं पीना चाहिए। दूध में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो शरीर को ठंडा करने का काम करता है, इसलिए दूसरी तरफ जो मीट होता है वो गर्म होता है, तो ये दोनों जब आप साथ में लेते हैं तो वो रिएक्शन कर सकते हैं। इसलिए कभी भी भूल कर भी मीट या मछली खाने से पहले या बाद में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपको सफ़ेद दाग जैसी खतरनाक बीमारी होने की भी संभावना हो जाती है। दोस्तों, ये थे मीट खाने वाले या नॉनवेज खाने वालों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी जो है हमारे बचाव का सबसे बड़ा साधन होती है। किसी भी बीमारी को अगर आपको जानकारी हो तो उसको होने से पहले ही रोका जा सकता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। नॉनवेज अगर आप इंजॉय करते हैं खाना तो आप खाइए, मगर इन बातों का ध्यान रखने के साथ साथ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई घंटी को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलूंगा अगले वीडियो में किसी नई जानकारी, नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।